अक्षय कुमार और सनी देओल बहुत ही डिफरेंट तरह की केमिस्ट्री और फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। परिवार में डिंपल कपाड़िया और रवि टंडन की एंट्री के बाद दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऐसी बिगड़ी कि दोनों आज तक कभी दोस्त नहीं बन पाए, साथ में कोई मूवी भी नहीं कर पाते। जाने दुश्मन में थोड़े बहुत सीन एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में थे, इसके बावजूद दोनों साथ में कभी कम ही नजर आते हैं। परिवार में कोई मौत हो जाए, कोई ट्रेजेडी का सब्जेक्ट हो, वहां पर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, वरना फिल्मी बिरादरी में, फिल्मी पार्टी में, फिल्मी स्क्रीनिंग में दोनों का साथ देखना लगभग नामुमकिन सा है। बहरहाल सनी देओल अक्षय कुमार के सितारे तारे फिर भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर सनी देओल ने कमबैक किया गदर 2 के साथ, यानी गदर 2 की जो मूवी थी ब्लॉकबस्टर रही 500 करोड़ के कलेक्शन के साथ। और मजे की बात है कि सनी देओल की मूवी को क्लैश किया था अक्षय कुमार की OMG 2 ने। हालांकि सनी देओल ने अक्षय कुमार को फोन करके बोला था कि आप अपनी OMG को आगे खिसका दीजिए, बिकॉज वो चाहते हैं गदर 2 को सोलो रिलीज मिले। बट अक्षय कुमार ने सारा मामला प्रोड्यूसर के ठीकरे फोड़ दिया और कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। बहरहाल दोनों फिल्में आई और दोनों ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन गदर के कलेक्शन के सामने OMG 2 बहुत फीकी साबित हुई। OMG 2 ने जहां पर करीब 150 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि गदर 2 ने 500 करोड़ कलेक्शन को टच करके उनके सुपर कमबैक को रिलाइव किया। अब कहते हैं हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है अगले साल रिपब्लिक डे पर, जहां पर अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स और सनी पाजी की मूवी जाट एक दूसरे से क्लैश करने की राह देख रही है। जाट का फर्स्ट लुक आ चुका है, जहां पर सनी देओल मैसिव स्टाइल में हैंडपंप उखाड़ने के बाद इस पर बड़ा पंखा उखाड़ कर खड़े हैं। बहुत ही सॉलिड एक्शन मूवी लग रही है, जहां पर साउथ का तड़का भी लग चुका है और साउथ वालों ने सलमान खान शाहरुख खान की नैया पाल लगाई है। सलमान खान को वांटेड दिया, शाहरुख खान को जवान दी, ऐसे में लगता है सनी देओल को भी एक बार गदर देने की तैयारी कर रहे हैं गोपीचंद मलिनेनी, जो कि जाट के डायरेक्टर हैं। बहरहाल जाट को लेकर मोमेंटम अच्छा है, जाट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देख रही है। ऐसे में रिपब्लिक डे थोड़ा सा जोशीला एक्शन भरा हो सकता है सनी पाजी के लिए, और अक्षय कुमार से क्लैश में हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का खेल हो जाए। बहरहाल मजे की बात है कि अक्षय कुमार की मूवी इस बार फ्रेश कॉन्टेंट के साथ आ रही है, वरना हमेशा दोनों की फ्रेंचाइजी टकराती रही है। गदर 2 भी फ्रेंचाइजी थी, OMG 2 भी फ्रेंचाइजी थी, बट यहाँ पर स्काई फोर्स वर्सेस जाट होने वाला है, जो कि दोनों ही फ्रेश सब्जेक्ट हैं और दोनों ही कंटेंट के मामले में एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे। हालांकि अगर हम मास अपील के एंगल से देखेंगे तो जाट थोड़ा आगे निकलती दिखाई देती है, लेकिन जब तक स्काई फोर्स की ट्रेलर टीजर नहीं आते तब तक मूवी का जो मोमेंटम है पता नहीं चलेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं अक्षय सनी देओल की जो फाइट हमेशा एक दूसरे से होती रहती है वो पॉजिटिव एंड पर खत्म हो, दोनों की फिल्में कामयाब हो, बिकॉज अक्षय कुमार का भी आजकल OTT के बाद थोड़ा पॉजिटिव ऑरा बनने लग गया है। उनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बावजूद सरफिराह को और खेल खेलने को OTT में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब पब्लिक भी रिएक्ट कर रही है कि अक्षय कुमार की फिल्में कुछ बेहतर थी जो कि उनकी फ्लॉप फिल्मों की भीड़ में खो गई। ऐसे में स्काई फोर्स और जाट के बीच की जंग देखनी काफी काबिले गौर होगी, और देखते हैं इस बार सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ भारी पड़ता है या अक्षय कुमार के हैरत अंगेज स्काई फोर्स के स्टंट्स। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।